एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सा मेकओवर मेरी डॉटर का है, जिन्होंने इस डांस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो उनका एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, क्लिंजिंग यहाँ पे मैं कर चुकी थी बेबी क्लिंजिंग वाइप से, और यहाँ पे मैं अरोमा मैजिक का टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी फ्रूट अर्थ का फेयरनेस जेल है गाइस, और ये सारे प्रोडक्ट प्रोफेशनल हैं और ये बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं करेंगे, और मैंने फर्स्ट टाइम इनके फेस पे किया था। यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं इनसाइड का प्राइमर, और प्राइमर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था क्योंकि छोटे बच्चों का स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो प्राइमर लगाने की वजह से जो भी मैं इनके ऊपर मेकओवर करूँगी, मेकअप करूँगी, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक स्टिपलिंग ब्रश से पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा प्राइमर अप्लाई किया था, और देन मैं फेस पे कंसीलिंग करूँगी टच रोज़ की कंसीलर पैलेट से। और ये छोटा सा पैलेट है और ये पूरे फेस को कंसील करेगा, जो भी इनका अनइवननेस है, जो भी इनके फ्लॉज हैं, उनको वो निकालेगा। आई एम कंसीलिंग ऑल ओवर द फेस, और यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रश का प्रेशर मैंने इनके फेस पे नहीं दिया था। एंड यस गाइज, शी इज़ माई डॉटर, हर नेम इज़ साइमा, और इनका एक डांस फंक्शन था स्कूल में। अभी तो स्कूल ऑनलाइन चल रही है, तो डांस फंक्शन के लिए मैंने ये इनको रेडी किया था, एंड गूमर सॉन्ग पे इन्होंने डांस किया था, उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन के लिए RS की पैलेट, और इसमें से इनका स्किन टोन विटिश है, तो मैंने ऑल ओवर द फेस अप्लाई किया है। देन बेस को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैक का स्टूडियो फिक्स, एंड इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट। यहाँ पे ऑल ओवर द फेस मैंने अप्लाई किया है। देन यहाँ पे अगेन मैं यूज़ करूँगी बनाना पाउडर इनसाइड की, थोड़ा सा ब्रिटिश वार्म टोन होने के वजह से मुझे मैक का स्टूडियो फिक्स बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा था, तो उसको टोन डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाना पाउडर यूज़ किया है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो इनके फेस का टोन डाउन हो चुका है। मेकअप में प्रोडक्ट से ज़्यादा टेक्निक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीखना होगा, देखना होगा। यहाँ पे मैं आईब्रो को डिफ़ाइन करूँगी यूरोप गर्ल की आईब्रो डिफाइनिंग पैलेट से, और जैसे कि आपको पता है मेरी फेवरेट पैलेट है ये, पाउडर बेस होने के वजह से ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। और गाइस, मेरे पास जेल भी है, आईब्रो डिफाइनिंग जेल भी है, लेकिन उससे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ। और ये देखिए कितना नेचुरल और कितना सोबर सा ये लगता है। आप भी ऑलवेज यूज़ करिए पाउडर डिफाइनिंग। देन आगे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैंने कैसा मेकओवर किया। देन ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी APK का ब्लश, और इसमें सारे टोन्स के लिए ब्लश के कलर्स अवेलेबल हैं, और मैंने यहाँ पे पीच टोन दिया है इनके स्किन टोन के लिए, और बहुत ही क्विक सा इजी पीजी सा ये ट्यूटोरियल है गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिस क्लेयर की यहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग की है, हाइलाइटर यूज़ किया है थोड़ा सा फेस पे ग्लो लाने के लिए, और यहाँ पे मैं चिक बोन, नोज ब्रिज, फोरहेड और क्यूपिड बोन, जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग करनी है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। और आप देख सकते हो कितना प्रिटी और कितना नेचुरल ये लग रहा है, क्योंकि मुझे नेचुरल ही लुक देना था, क्योंकि छोटे बच्चे को हम लोग ज़्यादा ओवर नहीं कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग लिप लाइनर, जो भी शेड आपको पसंद है आप लगाइए। तो मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है, जो कि वाटर प्रूफ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये। यहाँ पे बच्चों को अगर आप मेकअप कर रहे हो तो प्रोडक्ट के कंटेंट देखिएगा गाइस, हार्मफुल कंटेंट बच्चों पे बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो जो भी यूज़ किया है वो सारे प्रोफेशनल हैं और सेफ हैं।
देखिएगा, यहाँ पे मैंने ओरिफ्लेम की जंबो लिपस्टिक यूज़ की है। थोड़ा सा मुझे एक पर्पलिश सा टोन देना था लिपस्टिक के लिए, सो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए कितना प्रिटी लुक है ये। अगेन आईब्रो बोन को डिफाइन करेंगे हाइलाइटिंग से, पाउडर हाइलाइटिंग से। सो यहाँ पे मैंने कोई कॉन्टोरिंग नहीं यूज़ किया है, ओनली मैंने यहाँ पे ब्लश और पाउडर हाइलाइटर यूज़ किया। सो एक सोबर से आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ली है, जिसमें सारे पर्पल टोन हैं। सो एक पिंक टोन मैंने ऑल ओवर द लिड अप्लाई किया है गाइस, और क्योंकि बहुत ही नेचुरल रखना था, बच्चे का मेकअप था, तो ज़्यादा कुछ मैंने उसमें क्रिएटिविटी नहीं की है। हल्का सा एक पर्पल पीच पिंक टोन का मैंने इनको एक सिंगल सा आई शेडो किया था, और उसी में से मैंने एक शिमर को फिंगर की हेल्प से ओनली सॉकेट पे अप्लाई किया था। तो मैंने मेरे सारे ट्यूटोरियल्स गाइस बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो इतने एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है M&M का ये ग्लिटर पैलेट है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इसको कोई ग्लू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये फिंगर की हेल्प से बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और थोड़ा सा पर्पल को मिक्स करके इनके सॉकेट पे अप्लाई किया है। ये ब्रश से बहुत कम लगता है, और ये फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से लगता है। सो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। और यहाँ पे मैं लाइनर बनाऊंगी स्केच लाइनर से, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत शार्प इससे लाइनिंग होती है, और जो मर्ज़ी आप इससे कर सकते हो। देन गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी बॉन्जर की ब्लू पेंसिल है ये, और ये मैं लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने कोई काजल अप्लाई नहीं किया है। सो लोअर लाइन पे मैं इसको अप्लाई करके हल्का सा मर्ज कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, इससे एक आईज़ में ब्लू टिंट आ जाएगा जो इनके कॉस्ट्यूम में है। देन अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारा मियोन का, दैट इज़ माई फेवरेट, और ये बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ है। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि इनके रैशेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। सो नहीं अप्लाई किया मैंने ज़्यादा इनके आईज़ पे। सो लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी यूरोप गर्ल का फिक्सर, और आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मेकअप को लेके। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिप्स पे शिमर लगाऊंगी आई शेडो की हेल्प से, और ये क्रीमी आई शेडो था, और इससे मैंने थोड़ा सा लिप को ग्लॉसिंग किया है। सो देखिए कितनी हैप्पी है वो अपने मेकअप को लेके। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, एंड डांस का वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।